नमस्कार। आज आपके समक्ष में जो वीडियो लाई हूँ, इसमें मैंने बताया है कि जी का उच्चारण ज की तरह और एस का उच्चारण श की तरह आप कब कैसे करें, जिसमें मेनली बच्चों को ये चीज़ पढ़ाने में हमें दिक्कत आ जाती है, समझाने में कि कैसे हम उनको रीडिंग सिखाएं। तो ये आज का वीडियो बहुत हेल्प करेगा उनको। जी का उच्चारण ज की तरह आमतौर पर तब किया जाता है जब आई ई से पहले जी आता हो, आई एवं ई से पहले जी आता हो। जैसे कि आप इसमें उदाहरण देख सकते हैं, लार्ज, एल ए आर जी ई, क्योंकि इसमें ई से पहले जी आया है, ई से पहले जी आया है, इसलिए इसमें हम इसका उच्चारण लार्ज पढ़ेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं जी ई आर एम, इसमें ई से पहले जी आया है। ऊपर जैसा कि लिखा हुआ है कि आई एवं ई से पहले यदि जी आए तो उसका उच्चारण ज की तरह करना है, तो यहाँ ई से पहले जी आया इसलिए इसका उच्चारण हम ज की तरह करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जी आई ए एन टी, इसको हम पढ़ेंगे जायंट, क्योंकि आई से पहले जी आए तो हम इसका जो उच्चारण है जायंट पढ़ेंगे। यहाँ पर जी आई आर ए डबल एफ ई, इधर भी आप देख सकते हैं आई से पहले जी है इसलिए हम इसका उच्चारण ज की तरह पढ़ेंगे, और जिराफ, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब हम आगे समझते हैं एस का उच्चारण श की तरह कब किया जाता है। एस का उच्चारण श की तरह तब किया जाता है जब एस या डबल एस के बाद आई ओ अथवा आई ए आई, एस या डबल एस के बाद आई ओ अथवा आई ए आई, तब हम एस का उच्चारण श की तरह पढ़ते हैं। जैसे कि एम ए एल ए वाई एस आई ए, इसमें इस वर्ड में आई ए एस के बाद है इसलिए हम इसमें श पढ़ेंगे इसका उच्चारण, और मलेशिया। ऐसे ही पी एन एस आई ओ एन, इसमें आई ओ जो है एस के बाद आया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर इसका उच्चारण श पढ़ेंगे, पेंशन। तो